पास रिलेशनशिप में नहीं आना तुम्हें, क्यों नहीं आना? अब वो वाला सीन नहीं रहा ना, क्यों नहीं रहा? वो वाली बात नहीं रही ना कि वो गुस्सा है मैं मना रही हूँ, वो अलग ही बात हो गई। उसको एक बार पूछना तो चाहिए था कि सुमन कैसी है, तबीयत खराब है, ठीक है? सबने पूछा मुझसे, सबको पता था, बस उसे ही नहीं पता था। ऐसा हो सकता है? अगर उसकी अभी तबीयत खराब हो जाती है तो दौड़ के जाएगा, इतना मैं कह सकती हूँ। या तेरी तबीयत खराब हो वो दौड़ के आएगी। क्या अगर बात करते तो अंदर आ गया, उससे अंदर नहीं आया गया, वो बाहर चला गया, अपने घर चला गया, इतनी दूर चला गया वो, पर एक रूम में अंदर नहीं आया गया। सानू एक पल चैन ना यावे। मतलब तू इस बात पे बहुत हर्ट हुआ है? बहुत हर्ट हुई हूँ। अब उसको लगेगा कि मैं एटीट्यूड दिखा रही हूँ, कोई बात नहीं, एटीट्यूड ही सही। अब नहीं रहना तो गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक लाया हूँ गेमिंग ऐप जिसका नाम है टक्साल। तो गाइस, ये गेम सिर्फ आपके लिए, यहाँ पे आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन, गाइस यहाँ पे आपको प्रेडिक्शन स्किल्स, एक्सीलेंस, आईक्यू है, तो ये गेम सिर्फ आपके लिए। यहाँ पे आप 10 रुपये डाल के 1 गुना नहीं 2 गुना नहीं 3 गुना नहीं पूरे के पूरे 9 गुना जीत सकते हो। तो जाके खेलो टक्साल गेम, वो भी आप 15 मिनट में जीत सकते हो। तो गाइस, इस गेम में बहुत इजी है। आपको मैं गेम खेलने से पहले एक सजेशन दे सकता हूँ, आप जाके एक बार विनिंग्स लिस्ट चेक कर लीजिए, जिससे आपके प्रेडिक्शन स्किल्स और हाई हो जाए। गाइस, मैं तो गेम खेल रहा हूँ, आप भी खेलो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करो, या फेसबुक से भी आप साइन इन कर सकते हो। गाइस, मेरा नाम है शिवम, मैं आपसे एक और वीडियो लेके आया। तो गाइस, आज की वीडियो में मेरे वजह से बहुत से रिलेशनशिप खराब हो चुके हैं, तो मैं अब बताएं मुझे अंकुश और सिमरन का रिलेशन ख़राब हो चुका है सिमरन की वजह से। तो मैं सिमरन को बुला के बात करने वाला हूँ कि वो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है सिमरन और उसकी, वो ना हो। तो अब वो आ रही है, उसके बाद मैं बात करता हूँ उससे, देखते क्या हुआ, आप सबको पता चल जाएगा। कमी हमको महसूस होगी। इसकी कमी महसूस होगी। ये वाले चुभते हैं क्या? नहीं, तेरे वाले कॉल नहीं उठता। उठता है, वन टैप पे उठता है। मैंने कितनी कोशिश करी, नहीं उठा। घंटा मैं रोज उठाता हूँ, एक वन टैप टच, हल्का टच पे उठता है। नो, लड़ रहे हो ना इसलिए? हाँ, अपना लड़ रही यार, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे पता था। तभी तुझे बुलाया। कैसी है तबीयत? खाना पीना खाया? मोटी पतली हो गई यार, है ना? क्यों, मम्मी खाना नहीं दे रही थी बुखार में? खाना खाने का मन नहीं कर रहा। क्यों, ऐसा क्या हो गया? एक तो ऊपर ब्रेकअप चल रहा था, ऊपर से तबीयत खराब, किस बंदे का खाने का मन करेगा? सही बात है, पूरी जिंदगी तेरी एक पल मेरे वजह से हुआ ना, मेरे को पता है, मेरी वजह से बहुत कुछ हो गया। अरे नहीं यार, तेरी वजह से नहीं, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। नहीं ना, उस दिन अंकुश ने मेरे से लड़ाई करी, पता नहीं करना। मैं तो कुछ नहीं कर रही, मेरे को अब ये है ही नहीं कि तेरा वाला सीन है। तो उसके बाद रिलेशनशिप में नहीं आना, क्यों तो नहीं आना? अब वो वाला सीन नहीं रहा ना, क्यों नहीं रहा? वो वाली बात नहीं रही ना कि वो गुस्सा है मैं मना रही हूँ, वो अलग ही बात हो गई। ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है, मैं अपनी जगह पे ठीक। तो ऐसा थोड़ी होता, इतना मेरे को ये बुरा लगा भाई, कितनी भी लड़ाई हो, मैं हूँ तो उसकी गर्लफ्रेंड ना। तो वो तो मुझे पता गर्लफ्रेंड है, तो गर्लफ्रेंड रहे ना, फिर क्यों तोड़ रही है रिलेशनशिप? भाई, उसको एक बार पूछना तो चाहिए था कि सिमरन कैसी है, तबीयत खराब है, ठीक है? सबने पूछा मुझसे, सबको पता था, बस उसे ही नहीं पता था। ऐसा हो सकता है? पर वो परेशान हो, क्या पता इसने नहीं कर पाया तेरे को कॉल? परेशान में बंदी भाई, टाइफाइड छोटी मोटी बीमारी थोड़ी ना कि बुखार हो गया हो, कोल्ड हो गया हो। क्या पता उसको पता ही ना हो। हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ, जब उसे पता था कि मेरी तबीयत खराब है, एक बार पूछ लेना चाहिए, बेटा क्या रिपोर्ट आई, क्या हुआ है। चाहे कितना भी गुस्सा हो तू रूपल से, अगर उसकी अभी तबीयत खराब हो जाती है तो दौड़ के जाएगा, इतना मैं कह सकती हूँ। या तेरी तबीयत खराब हो वो दौड़ के आएगी। उसने एक बार मेरे को कॉल नहीं किया, और मैंने कॉल किया तो मेरा ही कॉल नहीं उठाया। मैं बीमार होकर
भी उसके कॉल उठा रही हूँ या फिर कॉल कर रही हूँ उसे, फिर और वो एटीट्यूड दिखा रहा है। दिखाओ अब अच्छे से, मेरे में कम एटीट्यूड है क्या? तेरे में तो भर भर के है। फिर एक बार उसको साइड रख के देखना एटीट्यूड को अपने। मैं सॉरी बोल रही थी, उसको मनाने के लिए भी बुलाया मैंने इतनी बार। घर आया मैंने कहा अगर बात करने को अंदर आ जाओ, उससे अंदर नहीं आया, गया वो बाहर चला गया, अपने घर चला गया, इतनी दूर चला गया वो, पर एक रूम में अंदर नहीं आया। सानू एक पल चैन ना आवे। ऊपर से लाइफ पे आके कह रहा है जो उसके साथ है ठीक है, जो मेरे साथ है वो मेरे साथ रहो, आई एम हैप्पी कि आप लोग मेरे साथ हो टाइप्स। लाइफ पे आकर ऐसे ऐसे मैं नहीं लाइव आ सकती थी क्या? मैं सिंपथी, मेरी तो तबीयत भी खराब हो गई थी, मैं सिंपथी नहीं लेती क्या? माफ कर दे यार, मैं उसके बिहाफ पे नहीं बोलूंगा, बट प्यार तो तेरे से करता है ना, वो गुस्सा भी हुआ ना। मेरे को नहीं समझ आता ऐसा प्यार की बंदी को, बंदी इतनी बीमार हो गई थी और फिर वो ऐसे कर रहा है। अब कह रहा है मुझे पता नहीं था ये है। एक बार उसे पता था कि मैं बीमार हूँ, ये नहीं पता था टाइफाइड है क्योंकि रिपोर्ट बाद में आई, ये तो पता था मैं बीमार हूँ, आया भी था घर पे, उसे पता था मैं बीमार हूँ, लड़ाई करके चला गया। तूने ये बात करने के लिए बुलाई? नहीं मुझे नहीं पता था तेरी बात इतनी बड़ी बड़ी हो जाएगी, तुम्हारा एक मुझे लगा मिसअंडरस्टैंडिंग था यहाँ पे। वही मैंने कहा मिसअंडरस्टैंडिंग था, वहाँ तक मैं मना रही थी, अब बात ही कुछ और चली गई है। ऊपर से रूबल के साथ की एक मैंने वीडियो देखी, उसमें कह रहा है केयर नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। भाई मैंने क्या उसकी वो कर दिया? रूबल ने मेरे बारे में उसके लिए लड़ जाती हूँ यार मैं सबसे, वो तो देखा है मैंने। तो वही तो उल्टा मेरे को भी तो रूपल यही सब बोल रही है, तू सिंपत्ति 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 कर रहा है। एक तो रूपल का मेरे को जिस दिन वो मेरे को मिल गई ना उससे मेरी लड़ाई होगी। समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है, उधर भी लड़ाई इधर भी लड़ाई, ग्रुप भी टूट सा गया पता है तेरे को? क्या ग्रुप ना रहा, सब एक दूसरे की मतलब बुराइयां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। एक सच सच बात बोलूं, अगर रूपल ये सब करती नहीं, ये वो इतना टॉपिक उठाती नहीं, उसके दिमाग में भी नहीं आता। रूबल को ब्लेम नहीं कर रही हूँ भाई, उसका अपना ओपिनियन है, अंकुश को सोचना चाहिए, उसको थोड़ा दिमाग लगा क्योंकि उसे ही रूबल को समझाना चाहिए था कि रूबल नहीं ऐसी बात नहीं है गलत है, वो खुद और गुस्सा हो गया। उल्टा ही चल रहा है जो कह तो रहा हूँ, सब कुछ उल्टा ही चल रहा है, यहाँ कुछ सही से नहीं चल रहा। रूबल से यार ऐसा तो नहीं है ना, मैंने माफी नहीं मांगी, अब बंदा कब तक माफी मांगेगा? अब बुरी लग रही हूँ मैं तो, ठीक है तो मैं थी बुरी ही सही। पागल बुरी नहीं, ये उन दोनों का ना नजरिया ही चेंज हो गया, देखो देखती थी वो भी मेरे से लड़ रही है, तू भी तू सोचा कहूँ। उस दिन अंकुश ने लड़ाई करी थी, फिर उसके बाद बात भी यार हर्ट होता है कि आप किसी से इतना प्यार करते हो, इतना है तो कुछ भी है, प्यार तो है ही ना कि नहीं है? एटलीस्ट प्यार तो है ही ना, तुम पूछ तो सकते हो बंदी की तबीयत खराब है, मतलब तू इस बात पे बहुत हर्ट हुआ है ना? बहुत हर्ट हुई हूँ, अब उसको लगेगा कि मैं एटीट्यूड दिखा रही हूँ, कोई बात नहीं एटीट्यूड ही सही, अब नहीं रहना परेशान मत हो। हंसता चेहरा कहाँ है तेरा, तू हंसते हुए अच्छी लगती है छोटा डोरेमोन, ये स्माइल मांगता। अंकुश से बात नहीं करेगी कभी भी? नहीं क्यों नहीं करेगी, करनी तो पड़ेगी, मेरा तो सीन उल्टा है, तुम्हारा तो सीन हो सकता है। अभी लड़ाई दो दिन एक दिन पहले लड़ाई हो गई, लड़के बैठी है सब पास सीपी में मिले थे। ये पनौती की जगह नहीं है, मुझे लगता है पनौती जगह ही लड़ाई करते हैं हम लोग। उस दिन मेरे को भी चमकाया गया है बहुत ही अच्छे से, पता है आपको क्या क्या बोला मेरे करेक्टर के बारे में यही कल? भाई छोटी सी बात थी, नॉर्मल फ्रेंड है, मजाक चल रहा है क्या वो अपने फ्रेंड से मजाक? अब वो मजाक नहीं, अब वो वीडियो और सिंपत्ति की बात आ रही है। कह रही तूने अंकुश का कॉलर पकड़ा था,
अंकुश ने जब गलत बोला था तब पकड़ा था ना मैंने, वैसे नहीं पकड़ा था ना। कह रही है मैं भी जाऊंगी करूंगी, अब क्या करेगा, कर लो तुम्हें जो भाई तुम्हें जो ठीक लगे तुम लोग वो कर लो, क्या ही बोले आप, कर ही तो रहे हैं वो लोग दोनों के दोनों, पता नहीं मैं इतना समझदार समझती थी दोनों को, दोनों ही बुद्धू निकले। मैसेज डाला था उसने पता है मेरे लिए, बहुत ही अच्छा एक मैसेज आया था वीडियो में अंकुश के साथ जो उसने वीडियो बनाई नहीं है, मैं किसी की वीडियो नहीं देखी, एक बार चेक करी उसमें मेरे लिए साफ साफ मैसेज है मेरे लिए स्पेशली, मैंने देखी वीडियोस में कह रही है कि मैंने शिवम तेरे को समझा दिया है तेरे लिए ये मैसेज कि मेरे को कॉल मैसेज ना कर और ना मुझसे मिलने की कोशिश कर, और जिसे को एक बार में समझ नहीं आता ब्रेकअप तो ब्रेकअप, कितना कितना तूने ही बोला था ना, उसे 100 बार बोल दिया तो भी नहीं समझती, अब मैं क्या करूँ बता ना। वो कुछ और ही चला, हमारा तो कुछ और ही चला गया पता नहीं क्या हो गया, वो पता नहीं केयर सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में वो पता नहीं कहां से आ गए, कौन होते चीज दूसरे कपल को देख के कितना अच्छा, मैं तो सोच रही हूं मैं एक्सेप्ट क्यों किया कि हां मैं वो तेरे पे प्रैंक कर रही हूं, ये मैंने एक्सेप्ट ही क्यों किया, मैंने बोला था नहीं करवाऊंगी मैं, देख ले कहां से कहां पहुंच गया जाकर, तू दिल तू यो जान मेरी मैं तनु समझा।